मार्केट्स को इतना फ्लक्चुएट होते हुए देखकर ऑल आई वांट टू डू इज विथड्रॉ माय इन्वेस्टमेंट्स। आई मीन कौन जाने मेरे इन्वेस्टमेंट्स का क्या हाल होगा। यार मैं समझती हूँ, मार्केट्स को इतना वोलेटाइल होते हुए देख एक इन्वेस्टर के दिमाग में फर्स्ट से वर्स्ट फियर्स होंगे, और क्यों नहीं, आखिरकार ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तो मार्केट से पैसे निकाल लूं? जब तुमने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी होगी तो ये तो सुना ही होगा ना कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स। इक्विटी मार्केट्स काफी फैक्टर्स को लेके सेंसिटिव होती हैं, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी भी यहीं पे सबसे ज्यादा होती है। आगे भी काफी उतार चढ़ाव तो होंगे ही, बट रिमेम्बर द सन शाइन्स आफ्टर एवरी स्टॉर्म। मार्केट फ्लक्चुएशंस को देखकर कभी भी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट जर्नी। मार्केट्स अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो रिकवर जरूर होगा। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, पर इस बात को मैं कैसे मान लूं? इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए चेक आउट माय नेक्स्ट रील।